उत्तर प्रदेश सरकार के पशुधन मंत्री एसपी सिंह बघेल ने पत्रकारों से बातचीत की। पत्रकारों ने आवारा जानवरों के रखरखाव और उनके चारे की व्यवस्था का सवाल एसपी सिंह बघेल से किया। उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रशासनिक स्तर पर इन सबकी व्यवस्थाएं पूरे प्रदेश भर में कराई जा रही हैं। जल्द से जल्द किसानों को आवारा पशुओं के उत्पीड़न से निजात दिलाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, साक्षी न्यूज, फिरोजाबाद। तो उसकी वजह से 15 साल जिंदा रहना, काटा जा नहीं सकता, प्राइस है नहीं है, ये इसका कारण। पहले हम लोग गरीब थे, चारागाह ज्यादा था, बंजर ज्यादा था, ऊसर ज्यादा था, तो भी गाय को कभी छोड़ते नहीं थे। बैल अपने हल चलाते थे, फिर वो बूढ़े हो जाते थे, हल लायक नहीं रहते थे, दरवाजे पर रहते थे, उनको सानी जरूर की जाती थी, लेकिन कभी कसाई मनरेगा पर मनरेगा के द्वारा। अब फिरोजाबाद के पत्रकारों को तो समझ जाना चाहिए कि डबरी पर संबलपुर में पशुपालन विभाग का 1 रुपया खर्च किए बिना और 1 रुपया राज्य सरकार का खर्च किए बिना मनरेगा के द्वारा हम लोगों ने वहाँ पर एक गौर सदन बनाया जिसका उद्घाटन भी कर चुके हैं। तो हमारा डबल बजट हो गया। इसके साथ जो भरण पोषण के बारे में आपने छोटा सा प्रश्न किया है कि गायों को रखा जा सकता, खिलाएंगे कहां से, तो जो हमारे लाभ वाली संस्थाएं उदाहरण तौर से राजकीय निर्माण निगम, ब्रिज कॉर्पोरेशन, यूपीडा अथवा एक्साइज डिपार्टमेंट, उनसे 0.5% सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हम गायों के लिए पैसा लेंगे, जिससे भरण पोषण की कोई समस्या नहीं होगी। हम आपसे वादा करते हैं इस समस्या को चार्ट से। ब्यूरो रिपोर्ट, साक्षी न्यूज, फिरोजाबाद।